राष्ट्रपति शासन वाले बयान पर संजय राउत का बयान भी सामने आया है, जहां पर राष्ट्रपति शासन की धमकी देकर कोई सत्ता में कैसे आ सकता है, ये कहना है संजय राउत का। संजय राउत ने कहा है कि सत्ता में आने के लिए राष्ट्रपति शासन की धमकी दी गई है और शरद पवार ने कुछ भी गलत नहीं कहा। वहीं धमकी से महाराष्ट्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है और हमने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, गठबंधन धर्म का पालन करेंगे और आखिरी वक्त तक गठबंधन धर्म का पालन किया जाएगा। इसके साथ ही संजय राउत ने कह दिया है कि शिवसेना जल्द ही वेट एंड वॉच की भूमिका छोड़ देगी। सरकार के राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लागू करने की धमकी राज्य के एक मंत्री बार बार दे रहे हैं, तो अब ये ईडी की धमकी देना बंद हो गया है और राष्ट्रपति का इस्तेमाल हो रहा है। जो नए नए विधायक निर्वाचित हुए उनके सर पर कि देखो हमको सपोर्ट कीजिए नहीं तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, यह एक प्रकार की धमकी है। और मैं इस देश के लोकतंत्र के मानने वाले सभी राजनीतिक दलों को संस्थाओं को ये बताना चाहता है कि राष्ट्रपति का इस्तेमाल अगर कोई करता है इस प्रकार से गवर्नर हाउस और राष्ट्रपति का, तो देश के लिए खतरा है।